ओके, तो अभी हम लोग जो है मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा दिख रही है। वैसे भीड़ चारों तरफ चली जा रही है, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, बहुत अच्छी जो है व्यवस्था है सब आने जाने की। और सब लोग दर्शनार्थी जो है, दर्शनार्थी क्या स्नानार्थी बोलेंगे, यहाँ पे हमारे साथ जो है हिंदी के महान जो है गणितज्ञ बैठे हैं और ये बताएंगे कि किस तरीके से स्नानार्थी बोलेंगे बहुत सुंदर तरीके से। हम अभी हम लोग चल दिए हैं, अभी और आगे जा रहे हैं और काफ़ी जो है भीड़ है यहाँ पे। मेले का जो आनंद है वो ऐसी ही जगह आता है। और सर हमारे साथ हैं यहाँ पे जो है, भीड़ जो है बढ़ गई है थोड़ी सी और इसलिए यहाँ पे भीड़ को टर्न कर दिया गया है दूसरी तरफ। प्रशासन यहाँ पे एकदम मुस्तैद है, बहुत अच्छे तरीके से सब लगा हुआ है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं भीड़ थोड़ी कम हो जा रही है। तो अभी हम लोग जो है हनुमान मंदिर के रास्ते पे हैं और काफी सुंदर यहाँ माहौल है, भीड़ बहुत ज्यादा है हर हर गंगे। तो भीड़ इस तरह की दिख रही है। अभी हम लोग जो है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में हैं और इसी तरह यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ रहती है। तो ये आपको यहाँ से भीड़ दिख रही होगी और बड़ा ही आनंद का विषय है। हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। तो हम सब अभी आ चुके हैं एकदम किनारे माँ गंगा के और भाई विहंगम दृश्य है यहाँ का और हम लोग यहाँ पे भी जो है अच्छे तरीके से स्नान करेंगे। सर लोग हमारे साथ हैं और सभी लोग हर हर गंगे। हम लोग अभी स्नान करके फिर आगे बढ़ते हैं। संगम टावर पंचम विजय का सौधन, बस्ती के रहने वाले शक्ति का सौधन, आप संगम टावर पंचम है। देखिए सभी लोगों का स्नान हो चुका है, बड़ा ही दिव्य स्नान था। पानी बहुत ठंडा था लेकिन थोड़ी देर बाद जो है पानी की ऐसी एनर्जी होती है कि बहुत गर्म लगने लगा और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा जो है यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं। मैंने स्नान होता है और सब हमारे साथ है, बड़ा ही सुंदर और जो है दिव्य आकर्षक रहा। धन्यवाद। आपका